नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वनखंजी में 350 करोड़ रुपए से बनेगा जियोलॉजिकल पार्क, मुख्यमंत्री ने रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को देहरा के वनखंडी 350 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले जियोलॉजिकल पार्क की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि पार्क बनने से पर्यटन विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने नगरोटा बगवा में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि का फॉर्म भी जारी कर दिया है। बता दें कि सरकार ने 18 साल से अधिक आयु के सभी पात्र बच्चियों और महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह सम्मान राशि देने का ऐलान किया है। इसके लिए ये फॉर्म भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। एचआरटीसी की बसेस में अब कैशलेस होगा सफर, इन ऐप से दे सकेंगे किराया, उपमुख्यमंत्री जल्द करेंगे शुभारंभ। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसेस में अब आप गूगल पे, फोन पे, भीम ऐप या अन्य यूपीआई ऐप से भी किराया दे सकेंगे। इसके अलावा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड से भी किराया दे पाएंगे। ऐसे में अब अगर आपके पास एचआरटीसी की बस में सफर करते हुए कैश ना हो तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हिमाचल के कई भागों में फिर बिगड़ा मौसम, रोहतांग सहित मनाली की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी। रोहतांग दर्रा चंद्रघाटी में बुधवार शाम को फिर से बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिली रही। हिमाचल प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति के कुछ क्षेत्रों में गुरुवार को बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में मौसम साफ बना रहने की संभावना है। 8 और 9 मार्च को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार जताए गए हैं। 10 मार्च से दोबारा पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से कुछ भागों में मौसम बिगड़ सकता है। जगत नेगी बोले, सीजन से यूनिवर्सल कार्टन में बिकेगा सेब, मानक तय। हिमाचल प्रदेश में सेब अब यूनिवर्सल कार्टन में ही बिकेगा। सरकार ने सीजन से यूनिवर्सल कार्टन में सेब खरीद का ऐलान कर दिया है। बागवानी और राजस्व मंत्री जगत नेगी ने बुधवार को सचिवालय में आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि टेलीस्कोप कार्टन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। टेलीस्कोपिक कार्टन में सेब नहीं बिकेगा, यदि कोई बेचेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। पिछले साल वजन के हिसाब से सेब बेचने की व्यवस्था की गई थी और अब यूनिवर्सल कार्टन को नीतिगत तरीके से लागू किया जा रहा है। विक्रमादित्य बोले, सरकार और पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी थी वो निभाकर आया हूं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी वो निभाकर आए हैं। नई दिल्ली से लौटने के बाद बुधवार को राज्य सचिवालय में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि उन्हें दिल्ली आधिकारिक तौर पर भेजा गया था, आलाकमान को यथास्थिति के बारे में अवगत कराया गया। इससे पहले हिमाचल आए पर्यवेक्षकों के समक्ष भी अपनी बात रखी है। सीएम सुक्खू ने राज्य सहकारी बैंक की 22 नई शाखाओं और 2 योजनाओं का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को अपने सरकारी आवास ओक ओवर से राज्य सहकारी बैंक की 22 नई शाखाओं का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने बैंक की 2 नई योजनाओं, एक मुश्त समाधान योजना और उच्च घनत्व से बागान विकसित करने के लिए ऋण योजना का भी शुभारंभ किया। आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने किया कमाल, बना डाला ऐसा रोबोट जो अस्पताल के ओटी से युद्ध के मैदान तक करेगा सब काम। अस्पताल के सामान्य वार्ड में मरीजों तक दवा, सिरप या अन्य सामग्री पहुंचाना हो या फिर घर और कार्यालय में आए मेहमान को चाय खाना परोसना, नर्स और श्रमिकों के अभाव में अब आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी होगी। मरीज को समय पर सही दवा और अन्य सामग्री मिलेगी, मेहमानों को पानी, चाय और खाना भी सलीके से परोसा जाएगा। आपको ये सब काम आईआईटी मंडी के द्वारा विकसित स्मार्ट रोबोटिक असिस्टेंट करके देगा। रोबोट को प्रशिक्षित करने के लिए ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी होगी, जैसा कि आप सिखाएंगे और बताएंगे रोबोट बिल्कुल वैसा ही काम करेगा। बागी विधायक सुधीर शर्मा पर कांग्रेस हाईकमान का बड़ा एक्शन, एआईसीसी सचिव के पद से हटाया। हिमाचल कांग्रेस के बागी पूर्व विधायक सुधीर शर्मा पर कांग्रेस हाईकमान ने बड़ा एक्शन लिया। कांग्रेस हाईकमान ने सुधीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव पद से हटा दिया है। हाईकमान के इस फैसले को लेकर सुधीर शर्मा ने भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। सुधीर शर्मा ने पोस्ट करते हुए लिखा कि भार मुक्त हो तो ऐसे किया जैसे सारा बोझ मेरे ही कंधों पर था। चिंता मिटी, चाहत गई, मनवा बेपरवा, जिसको कछु नहीं चाहिए
वो ही शहंशाह। बता दें कि राज्यसभा के चुनाव में सुधीर शर्मा सहित 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया था। 850 स्कूल कॉलेजेस को एक्सीलेंस स्टेटस, सरकार जारी करेगी अधिसूचना, अलग से जारी होगी ग्रांट। प्रदेश के 800 स्कूल और 50 कॉलेजेस को सरकार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगी। राज्य सरकार की ओर से इस बारे में बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। विभाग की ओर से प्रदेश में कौन से स्कूल और कॉलेज लिए गए हैं इस बारे में लिस्ट फाइनल कर दी गई है। इसमें कुल 800 स्कूल होंगे। इसमें 500 प्राइमरी, 200 सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 100 हाई स्कूल शामिल हैं। इसके साथ ही 50 कॉलेजेस के नाम भी फाइनल कर दिए गए। प्रदेश सरकार ने स्कूल और कॉलेजेस के चयन के लिए 3 मानक तय किए थे। 600 करोड़ की सड़कों की डीपीआर तैयार, रेणुकाजी बांध के निर्माण के लिए डायवर्ट रोड को लेकर पीडब्ल्यूडी की तैयारी पूरी। राष्ट्रीय परियोजना रेणुकाजी बांध के निर्माण में लगभग 600 करोड़ डायवर्ट सड़कों की डीपीआर लोक निर्माण विभाग के द्वारा तैयार कर ली गई। राष्ट्रीय महत्व की परियोजना रेणुकाजी बांध के निर्माण से पूर्व डैम साइट पर भारी मशीनरियों को लाने के लिए डैम साइट तक 4 सड़कों का डायवर्ट किया जाना है, जिसमें डैम साइट का रोड पनार जहां चौड़ा किया जाना है ताकि यहां से भारी मशीनरीज को गुजारा जा सके। वहीं गिरी नदी राइट बैंक से डैम साइट तक का रोड के अलावा सतौन मार्ग से रोड को चौड़ा किया जाएगा। 9 मार्च को सीएम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ, सांस्कृतिक संध्याओं में ये कलाकार मचाएंगे धमाल। मंडी के अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ 9 मार्च को राज देवता माधव राय की शोभा यात्रा के साथ पड्डल मैदान में किया जाएगा। महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। वही 15 मार्च को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल महोत्सव का समापन करेंगे। हिमाचल में जो काम अब तक नहीं हुआ था वो पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल में हुआ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का सर्वांगीण विकास ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के साथ पूरी उदारता दिखाई और विशेष राज्य का दर्जा दिया। चरस की खेप के साथ बस में सवार थे पंजाब के 3 तस्कर, पुलिस ने नाकाबंदी पर दबोचा। पुलिस ने पठानकोट चंबा एनएच पर तुनु हट्टी में परिवहन निगम की बस में सवार पंजाब के 3 लोगों से चरस की बड़ी खेप बरामद की। पुलिस ने मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। कुल्लू में तेज हवा से भटका पैराग्लाइडर, पेड़ पर लटका, पुलिस दमकल विभाग ने रेस्क्यू किया। पैराग्लाइडिंग साइट पीस से बुधवार को उड़ान भरने के बाद पैराग्लाइडर तेज हवाएं चलने से रास्ता भटक गया। लैंडिंग साइट तक न पहुंचकर पैराग्लाइडर पर्यटक के साथ वन विभाग के कार्यालय के पास पेड़ पर जाकर अटक गया। दोपहर बाद करीब 3:15 बजे के बाद पैराग्लाइडर ने पर्यटक के साथ पीठ से कुल्लू के लिए उड़ान भरी थी। जैसे ही पैराग्लाइडर ने हवा में उड़ान भरी, इस बीच हवा का रुख तेज हो गया। ऐसे में पैराग्लाइडर लैंडिंग प्वाइंट तक नहीं पहुँच सका और हवा के चलते पेड़ में जाकर फंस गया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।